नमस्कार, स्वागत है आप सभी का हमारी इस खास पेशकश में। मैं हूं सुमित और मॉनसून जो कि आ चुका है और मॉनसून के साथ आ चुकी है मॉनसून से जुड़ी हुई सेल भी। तो घने बादल छाने लगे हैं, धरती की तपिश घटने की लगी है और मॉनसून बारिश बांटने के सफर पर निकल चुका है। किसी भी रोज आप ठंडी बूंदों से आपको सरोबार कर सकती है। तो तैयार रहिए मॉनसून की झमाझम फुहारों के लिए, बदले मौसम का आनंद लेने के लिए। और शेयर मार्केट के निवेशकों को इस मौसम में एक और तैयारी करनी चाहिए, उन्हें अच्छे शेयरों के पोर्टफोलियो में शामिल करने की सोचनी चाहिए, क्योंकि बाजार में एक बढ़िया मॉनसून सेल लग चुकी है। सस्ते में अच्छे शेयर उठाने के बेहतरीन मौके हैं। तो चलिए अब एक्सपर्ट से समझ लेते हैं कि इस मॉनसून सेल का फायदा किस तरह से उठाया जा सकता है। तो मॉनसून सेल का आइडिया आया क्यों? दरअसल देश भर में मॉनसून जो है वो अब पहुंच चुका है और मुंबई में भी बारिश हो रही है। धीरे धीरे वो अब नॉर्थ के हिस्से की तरफ मूव करता हुआ दिखाई पड़ रहा है। अच्छा, इन मॉनसून के बीच में जो बाकी एरियाज हैं जहां पर बाजार जैसी जगह पर भी, क्योंकि मॉनसून में हमेशा सेल लगती है, तो वही सेल एक बाजार में भी लगी है। और दरअसल ये सेल पहली बार नहीं लगी है। अगर आप पुराने आंकड़ों को उठाकर देखेंगे तो 2002, 2004, 2006, 2008, 2011, 13, 16, 18 और 20 ऐसे कई साल आए हैं जहां पे बाजार ने मंदी दिखाई है, गिरावट दिखाई है। कभी इंटेंसिटी ज्यादा होती है, कभी इंटेंसिटी कम होती है, डरावनी होती है, हल्की होती है, लेकिन सेल जरूर लगती है। तो सेल का फायदा उठाइए और बढ़िया शेयरों के अंदर निवेश करिए। तीन जानकार हमारे साथ मौजूद हैं बातचीत करने के लिए। एक लंबे अंतराल के बाद आज गौरांग सर हमारे साथ मौजूद हैं बातचीत करने के लिए। इसके अलावा राजेश जी मौजूद हैं, साथ साथ आशीष जी से भी हम बातचीत करेंगे। तो सबसे पहले राजेश सर, मॉनसून के दस्तक धीरे धीरे आपकी साइड पे ज्यादा जल्दी पहुंच रही है वापस, कोलकाता की तरफ बारिश शुरू हुई है दोबारा। क्या सिचुएशन सिनेरियो अभी और कैसा थीम लगा आपको? देखिए, थीम बहुत ही शानदार है। आपने शुरुआती कमेंट्री में ये कहा कि जैसे जैसे मॉनसून आएगी जो गर्मी है उससे राहत मिलेगी। अगर उसे मैं शेयर बाजार से जोड़ूं तो पिछले दो सालों से कोविड मार्च 2020 में चालू हुआ था और उसके कुछ दिनों बाद से ही जिस प्रकार की तेजी चली, तो एक तरीके से बाजार में भी गर्मी थी और ये जो गिरावट है ये है, वहां पर भी थोड़ी ठंडक से राहत मिल रही है। दिक्कत ये है कि जब दूसरी जगह मॉनसून की सेल लगती है ना, फिर वो चाहे कपड़ों में हो या होम अप्लायंस में हो या कहीं भी हो, तो लोग जरूरत से ज्यादा खरीद लेते हैं। उनको जरूरत समझ लीजिए दो शर्ट की है तो वो चार ले लेंगे क्योंकि सेल में मिल रहा है। और उसके उलट हमारे शेयर बाजार में दिक्कत ये है कि अगर सेल लगी हो तो लोग लेने से कतराते हैं, बल्कि घर का माल उल्टा बेचने की कोशिश करते हैं, जो कि बहुत ही गलत स्ट्रेटेजी है। मैं समझता हूं कि जैसा आपने कहा कि इस मॉनसून सेल में बहुत अच्छा एक मौका है अच्छे स्टॉक्स लेने का।